अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स व्हेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, यानी कि इसमें जो एक्सिस रहेगी सॉलिड की वो एचपी से 90 डिग्री पर रहेगी। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कितने स्टेज का है? ये क्वेश्चन सिंगल स्टेज का होगा। कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन सिंगल स्टेज का है? याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स हमें गिवन होंगी वो साइड की गिवन होंगी, यानी कि कोई साइड एचपी से पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, वीपी से पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, या एचपी वीपी से किसी एंगल पर होगा। यानी कि जितनी भी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी वो केवल साइड की गिवन होंगी। तो अगर ऐसा है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंगल स्टेज में ही बनेगा। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिड, यानी कि एक स्क्वायर पिरामिड है। ओके, मैं ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर पिरामिड है। ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, सारे प्रकार के सॉलिड्स आपको समझा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो स्क्वायर पिरामिड है, इसका बेस साइड कितने का, यानी कि स्क्वायर जो साइड होगा इसका बेस साइड कितना है स्क्वायर का, 40 mm है। इसकी हाइट कितनी है, 60 mm है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एच पी, यानी कि इसका बेस किस पर रखा हुआ, एच पी पर रखा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी पोजिशन पर एच पी पर रखा हुआ है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन वैन, या इसके हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। इसमें ए बी सी करके अपन को 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मगर सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेज के हैं और इन्हें एक ही रेफरेंस लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ साइड ऑफ द बेस इज पैरेलल टू वी पी, यानी कि बेस का कोई साइड वी पी के पैरेलल होना चाहिए। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 प्लेन लेता हूँ एच पी वी पी, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 2 प्लेन लिए हैं, दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्क्वायर पिरामिड कहाँ पे रखा हुआ है, इसका बेस रखा हुआ है एच पी पर, और इसका बेस एच पी पर रखा है। साथ साथ में क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में कहा था बेस का कोई साइड वी पी के पैरेलल होना चाहिए। देखिए इस पोजिशन में क्या है, इस पोजिशन बेस का ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों क्या हैं, इस वी पी के पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि ये पोजीशन बिल्कुल सही है इस ए केस के अकॉर्डिंग, यानी कि इसी पोजीशन पे हम इसको रखते हैं, उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं टॉप व्यू में आपको स्क्वायर नज़र आएगा, और आप देखेंगे स्क्वायर में आपको साथ साथ ये स्लैंट एज चारों भी नज़र आएंगी, यानी कि एक स्क्वायर बनेगी बाउंड्री और उसके सेंटर से यानी कि अपेक्स से मुझे चारों स्लैंट एजेस को ज्वाइन करना है। तो ये तो बनेगा टॉप व्यू। याद रखिए पहला कौन सा व्यू बनाएंगे, पहले ऐसा व्यू बनाएंगे जिसमें इसका ट्रू शेप यानी कि आपको नजर आए। तो आपको सामने इसका दिखेगा, सामने इस देखने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी क्या दिख रहा था आपको, अभी ये टॉप व्यू दिख रहा है। फ्रंट व्यू के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको घुमा देता हूँ, इसको ऐसा रखूँगा। तो आप देखिए फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है आपको, तो फ्रंट व्यू में आपको ये नज़र आएगा, यानी कि ट्रायंगल नज़र आएगा। कहाँ नज़र आएगा, फ्रंट व्यू हमें नज़र आएगा आपको ऑन द वी पी। तो वी फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको, ट्रायंगल दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, जो अभी आप देख पा रहे हैं टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा आपको स्क्वायर दिखेगा और स्लैंट एजेस भी आपको नजर, यानी यहाँ से देखेंगे फ्रंट व्यू जो आपको ट्रायंगल नज़र आएगा, टॉप व्यू में स्क्वायर नज़र आएगा। तो पहले क्या बनाएंगे इसमें, पहले इसका ट्रू शेप बनाएंगे, यानी कि पहले अपन बनाएंगे इसका टॉप व्यू जिसमें आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो पहले इसके टॉप व्यू को हम कंप्लीट करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर तैयार कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस पोजीशन से मुझे क्या करना था, इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू में क्या देखेगा, स्क्वायर की चारों साइड देखेंगे, साथ साथ में स्लैंट एज भी देखेंगे, यानी कि सारे के सारे स्लैंट एज को डार्क करना है। कैसे करेंगे, इनके डायगोनल को आप डार्क कर दीजिए, यानी कि ए से लेकर सी को अगर मैं डार्क करता हूँ, याद रखिए स्लैंट एजेस हमेशा आपको डार्क बनाने हैं पिरामिड्स में। तो बी से लेकर डी को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट दिखेगा, इसको नाम ओ देते हैं। मगर एक चीज़ और है, इसका जो टॉप व्यू है, इसका जो सेंटर है, इसका नाम है O1। इसका एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं O1। तो ये O1 था, ये O है, यानी कि O1 और O आपको कहाँ दिखेंगे, अभी टॉप व्यू में एक ही जगह पे दिखेंगे, इसलिए इसी पॉइंट का नाम मुझे देना पड़ेगा O1, क्योंकि O1 क्या है, इस फिगर का एक्सिस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जैसा मुझे टॉप व्यू में दिख रहा है मैंने एज इट इज़ वैसा बनाया। अब इसके फ्रंट व्यू तैयार करेंगे, फ्रंट व्यू मैंने बताया था ना, आप फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको, देखिए आपको ये ट्रायंगल नज़र आएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू तैयार कर लेते हैं इसका। कैसे करेंगे फ्रंट व्यू तैयार, इसके प्रोजेक्टर के ऊपर लेके जाएंगे, इंक्लूडिंग
एक्सिस को भी, इसे भी लेके गए और इसे भी लेके गए, ठीक है। अब याद रखिए पिरामिड में पहले हमेशा मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी हाइट कितनी की बनती क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हाइट दिया है 60 mm, याद रखिए। ये एक एक कंडीशन में क्या दिया हुआ था, बेस का साइड वीपी के पैरेलल होना चाहिए। देखिए इसमें ये ए बी और बी सी, ये दोनों क्या है, किसके पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल किसके हैं, एक्स वाई के, यानी वीपी के पैरेलल। बिल्कुल सही अपन ने ड्रॉ किया है, मैंने मॉडल के थ्रू आपको दिखाया भी था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक्सिस लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट ओवन डैश होगा। क्या होगा, ओवन डैश क्यों होगा, क्योंकि बेस कहाँ रखा हुआ है, बेस रखा हुआ एच पी पर, यानी कि फ्रंट व्यू में जो मुझे ओवन नज़र आएगा वो तो एक्स वाई लाइन पर नज़र आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, मैंने ओवन जो डैश मार्क किया है, कहाँ मार्क किया है, इसको एक्स वाई लाइन पर मार्क किया है। अब एक्सिस क्या होगी, ओ से लेकर ओवन, यानी कि ओवन डैश से लेकर ओ डैश की जो हाइट होगी वो एक्सिस होगी, ठीक है। तो एक्सिस कितना है यहाँ पे, 60 mm है क्वेश्चन में गिवन है। अब बात आ रही है एक्सिस को मैं कैसे ड्रॉ करूँ। एक्सिस को देखिए, अगर इस प्रोजेक्टर पर ऊपर या नीचे कोई पॉइंट आता तो मैं क्या करता, इसको एक्सिस लाइन से नहीं बनाता। मगर देखिए इस लाइन पर ऊपर या नीचे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी कि एक्सिस लाइन आपको नज़र आएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि वो हिडन नहीं होगी किसी एज के पीछे। जब हिडन नहीं है तो एक्सिस को आपको एक्सिस लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये कौन सा व्यू, ये टॉप व्यू। अगर इसी ऑब्जेक्ट को, ये कौन सा व्यू बनाया मैंने, देखिए ये बनाया है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं सामने से देखूंगा तो मुझे फ्रंट व्यू नज़र आएगा, और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखूंगा तो ये टॉप व्यू नज़र आएगा। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो मुझे एक्सिस लाइन से ड्रॉ करना है। तो एक्सिस लाइन आपको ऑलरेडी पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, अब मैं देख लेता हूँ 60 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक्सिस लाइन यूज़ करनी है। एक्सिस लाइन हमेशा कैसी होती है, ये लाइन थिन होती है और लाइट होती है, याद रखिएगा। फिर जब भी एक्सिस लाइन को मैं मार्क कर लेता हूँ तो मुझे ऊपर एपेक्स मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा ओ डैश। क्या नाम होगा इसका, ओ डैश। और जैसे ही ओ डैश मिलेगा, सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट कौन सा, ये है, सबसे राइट वाला ये है, तो आप लेफ्ट और राइट वाले को डार्क लाइन से बिल्कुल जोड़ दीजिए, क्योंकि बाउंड्री इज ऑलवेज डार्क, है ना। बाउंड्री क्या होगी, हमेशा डार्क होगी। तो इसे डार्क किया मैंने, फिर मैंने इसे डार्क किया, और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में डार्क कर लें, तो ये ट्रायंगुलर फेस जो आपको टॉप व्यू में नज़र आ, सॉरी फ्रंट व्यू में नज़र आ रहा था, ये बन जाएगा। यानी कि ये जो टॉप व्यू में आप, ये फ्रंट व्यू में जो नज़र आ रहा था, यानी कि यहाँ से देखने पर जो नज़र आ रहा था, ये वाला फेस आपको नज़र आ जाएगा। तो फ्रंट व्यू उसका ये बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। डायमेंशनिंग में इसी कर देता हूँ, साथ साथ में दूसरा केस आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका डायमेंशन कर दिया, ये केस नंबर ए का सॉल्यूशन है, जिसमें ये पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड कहाँ पर रखा हुआ था, ये रखा हुआ था एच पी के ऊपर, और इसके प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करने थे, यानी कि एक बार टॉप व्यू ड्रॉ करना, टॉप व्यू ये बना और यहाँ से देखा मैंने फ्रंट व्यू में ये नज़र आया। अब बात करते हैं केस नंबर बी की, तो केस नंबर बी एक बार देख लेते हैं। केस नंबर बी में क्या दिया हुआ है, अ साइड ऑफ बेस इज इंक्लाइंड एट 30 degrees टू वीपी, यानी कि बेस की कोई एक साइड वीपी से मुझे 30 degrees पे इंक्लाइन करना है। आइए देखिए इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। इसी ऑब्जेक्ट को मैंने लिया, अब क्या करना, देखिए अभी क्या है, ये साइड जो है वीपी के पैरेलल है, देख रहे हैं ना आप, ये साइड कैसी है, वीपी के पैरेलल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी एक साइड को वीपी से आप 30 degrees इंक्लाइन कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को फिक्स कर लूँगा, और इस पॉइंट को फिक्स करते हुए इसको ऐसा घुमा दूंगा, क्या करूँगा, इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा। कितना रोटेट करूँगा, कि इसका एंगल कितना हो जाए, ये एंगल हो जाए 30 degrees, कितना हो जाए ये 30 degrees। तो क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। याद रखिए क्वेश्चन तीनों केस में इसका बेस एच पी पर रखा हुआ है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका बेस कहाँ रखा हुआ है, एच पी पर रखा हुआ है, यानी कि मुझे अब इसको इस तरह से घुमाना है कि इसका कोई बेस का साइड वी पी से, यानी कि एक्स वाई से कितना एंगल हो जाए, 30 degrees हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस ए पॉइंट को फिक्स कर दूंगा, इसको ऐसा घुमा दूंगा। कैसे घुमाऊंगा, देखिए अब आप देखेंगे, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, इसी लाइन पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए। क्या नाम दे दिया मैंने, ए। अब मैं क्या करूँगा, इस ए से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यानी कि ये लाइन जो बनाई है मैंने, इस लाइन से ए पर जाना है। कितना एंगल लेना है मुझे, साइड को कितना इंक्लाइन करना था, 30 degrees इंक्लाइन करना था। तो 30 degrees पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया, ओके। फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, कितने एंगल पर लाइन सेट हो चुकी है, ये एंगल हो गया 30 degrees। कितना एंगल हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये एंगल हो गया है 30 degrees, जितना मुझे चाहिए था वीपी से।
अब क्या करना है, इस पे क्या होगा, ये ए मार्क किया तो इस पे क्या होगा, डी होगा, यानी कि ई डी का लेंथ कितना है, 40 है, यानी कि यहाँ से मैं इस पे मैं ड्राफ्टर सेट कर लेता हूँ, कितना लेंथ लूँगा ई डी का, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ से लेंथ कितना लूँगा, आप ड्राफ्टर देखिए, ये ड्राफ्टर इस पे सेट है तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से कितना जाना है मुझे, यहाँ से आना 40, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे आना है मुझे, तो ये 40 आया, एक डार्क लाइन मैंने ये ड्रॉ की, यहाँ से भी कितना आना है मुझे, 40 आना है, तो आप देखेंगे यहाँ से 40 आया मैं, तो 1, 2, 3, 4 एक पॉइंट यहाँ मुझे मिलेगा, इसे मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन किया और इन दोनों को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन करूँगा इसको मैं, एक स्क्वायर मेरा बन जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल वही बनेगा जैसा मैंने इस पोजीशन पे रखा, देखिए आप सेम बन रहा है, मगर इसमें क्या ड्रॉ करना है मुझे, स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है जिनको डार्क बनाना है, तो इसको डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा और इसको डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा, फटाफट इसकी नेमिंग में कर लेता हूँ। नेमिंग कैसी होगी, ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ओ और ओ वन। अब इनको सीधे ऊपर ले जाऊंगा मैं, ये केस नंबर बी का सॉल्यूशन है जिसमें इसका बेस वीपी से 30 डिग्री पे था, यानी कि बेस एज कहाँ पे था, 30 डिग्री था वीपी से। इसके प्रोजेक्टर को लेके जाऊंगा, ए के प्रोजेक्टर को लेके जाऊंगा, इसको प्रोजेक्टर को, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके प्रोजेक्टर को ऊपर लेके जाना है मुझे, इसको लेके आया। मैंने कहा था कि मुझे पिरामिड में हमेशा पहले एक्सिस ड्रॉ करनी है, यानी कि पहले ये देखिए ओ वन मार्क करना होगा, तो ये हो जाएगा ओ वन डैश, कर लिया मैंने। यहाँ से कितना ऊपर जाना है, 60 जाना है। अब बात करेंगे कि जो एक्सिस लाइन है कैसे ड्रॉ करूँ। आप देखेंगे इस प्रोजेक्टर पर, इस लाइन पर ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी कि एक्सिस हिडन नहीं होगी, एक्सिस हिडन नहीं होगी, यानी कि एक्सिस को एक्सिस लाइन से ही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कितना लेना है, 60 mm लेना है, तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा मुझे, 60 mm, और यहाँ से मैं एक्सिस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। याद रखिएगा एक्सिस लाइन हमेशा कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कभी भी डार्क आपको नहीं बनाना है। तो इसका 60 हाइट पर जाने पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा ओ डैश। अब क्या करना होगा, डार्क लाइन से ओ डैश को, सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है मेरा, ये आ रहा है, तो इसको सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट से मैं ज्वाइन करूँगा बाय डार्क लाइन, और सबसे राइट वाले से भी ज्वाइन करना, सबसे राइट में कौन सा, ये वाला है, तो इसको मैंने इससे ज्वाइन किया बाय डार्क लाइन। डायमेंशनिंग एक बार आपने यहाँ पे कर दी है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन दो पॉइंट्स को भी आप डार्क लाइन से ज्वाइन कर दें। याद रखिए पिरामिड में हमेशा आपको फ्रंट व्यू में क्या नज़र आएगा, जिस पोजिशन, अगर इसका बेस एच पी पर रखा हो तो फ्रंट व्यू में क्या नज़र आएगा, चाहे किसी पोजिशन पर रखें आपको फ्रंट व्यू में ट्रायंगल ही नज़र आएगा। अब बात करते हैं कितने पॉइंट्स बाकी हैं, एक पॉइंट ये बाकी है, एक पॉइंट ये बाकी है, इनको भी ज्वाइन करना है मुझे, किससे ज्वाइन करना है, एपेक्स से ज्वाइन करना है, यानी कि ओडेस से ज्वाइन करना है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे, यहाँ से देखूंगा तो देखेंगे कि ये वाला पॉइंट सी नज़र आ रहा है, यानी कि नेमिंग आप कर लीजिए, ये सारे बेस के पॉइंट है ना, तो ये बी था तो ये हो जाएगा बी डैश, ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, ये सी है तो ये सी डैश हो जाएगा, ये डी है तो डी डैश हो जाएगा, यानी कि ओ डैश सी डैश और ओ डैश ए डैश ज्वाइन करना है मुझे। यहाँ से देखेंगे आप तो ओ सी आपको नज़र आएगा, आएगा बिल्कुल सामने रहेगा, यानी कि ये कौन सा व्यू, ये फ्रंट व्यू, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये व्यू नज़र आएगा, यानी कि ओ सी मुझे नज़र आएगा यहाँ से, देखिए सी पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ से, तो यानी कि ओ डैश सी डैश को मुझे डार्क लाइन से जोड़ना है। कैसे ज्वाइन करना है, बाय डार्क लाइन, जैसा कि मैंने किया है। अब यहाँ से देखने पर देखेंगे ओ ए, ये पीछे वाला है, ये कौन सा स्लैंट है, पीछे जो यहाँ से देखने पर नज़र नहीं आएगा, यहाँ से देखने पर कौन से फेस नज़र आएंगे, एक ये फेस नज़र आएगा, एक ये फेस नज़र आएगा, ये पीछे वाला फेस दो नज़र मुझे नहीं आएंगे, यानी कि ओ ए मुझे नज़र नहीं आएगा। जब नज़र नहीं आएगा तो ओ ओ डैश ए डैश को ज्वाइन कैसे करूँगा, बाय डैश लाइन, या कह सकते हैं बाय डॉटेड लाइन, ठीक है। इस तरह से फिगर बनेगा और ये फिगर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब तीसरा केस क्या है, यहाँ पर तीसरा केस अपन पढ़ लेते हैं एक बार। तीसरा केस क्या दिया हुआ है, तीसरे केस में दिया हुआ है ऑल द साइड्स ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू वी पी, यानी कि बेस की सारी साइड वीपी से सेम एंगल पे होंगी। अब कैसे होगा वो, याद रखिएगा हमेशा वो स्क्वायर के केस में आता है, स्क्वायर पिरामिड हो चाहे स्क्वायर प्रिज्म हो, उसके केस में इक्वल इंक्लाइंड वाली कंडीशन आएगी। देखिए इक्वल इंक्लाइंड मतलब अभी ऐसा रखा था ना, सबसे पहले वाले केस में ऐसा रखा था अपन ने, ऐसा रखा था पहले वाले केस में,
अब मैं क्या करूँ, अगर इसको 45 डिग्री घुमा दूँ, अभी कितना घुमाया था इसको 30 डिग्री, अगर इसी को मैं 45 डिग्री घुमाऊँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। जब ये ऐसा हो जाएगा तो आप देखिए सारे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल सारे के सारे क्या होंगे, वीपी से 45 डिग्री होंगे, कितने होंगे 45 डिग्री। तो इस पोजिशन में हमको बनाना है, यानी कि इस पोजिशन में हमें इसका क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। तो पहले तो टॉप व्यू बनाएंगे, तो इस पोजीशन में टॉप व्यू पहले बना लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका टॉप व्यू तैयार कर लिया है। सिंपली उसी में मैं क्या, जैसे मैंने 30 डिग्री लिया था वैसे मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लिया, उसको ड्रॉ कर लिया है। देखिए यही पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन थी, सेम पोजीशन थी। आप देख रहे हैं ना, स्लैंटेज केस दिख रहा है, ये स्लैंटेज दिख रहा है, ये वाला स्लैंटेज ये है, ये वाला स्लैंटेज ये है, ठीक है ना। कितना एंगल है, 45 45 है। इस पोजीशन में इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा, यानी सारी साइड वीपी से सेम एंगल पे होंगी। अब क्या करना है, सारी चीज़ वही मैंने वही मार्क की है, सेम तरीका मैंने यूज़ किया है। अब सारे जितने प्रोजेक्टर्स हैं सबको मैं सारे पॉइंट के प्रोजेक्टर को ऊपर ले जाता हूँ, लाइक दिस। ये बी था तो ये हो जाएगा बी डैश, ये यहाँ पे ए और सी भी आ रहा है, तो ए डैश सी डैश भी है और ओ वन डैश भी है, ये डी डैश है, ठीक है। अब पहले तो मुझे एपेक्स निकालना है, यानी कि ओ डैश पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट से कितना ऊपर जाना है मुझे, ओ वन डैश से 60। और याद रखिए, अब मुझे देखना है कि ये जो एक्सिस हाई ड्रॉ करूँगा, एक्सिस ड्रॉ करूँगा कि एक्सिस लाइन से ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। देखिए इस एक्सिस क्या है, ओ ओ वन एक्सिस है, जो टॉप व्यू में आपको एज अ पॉइंट नज़र आ रही है। जब मैं इसको यहाँ से देखूँगा तो ओ सी जो स्लैंट एज है उसके पीछे एक्सिस छुप जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक्सिस लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा। जैसे मैंने यहाँ दोनों जगह ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ करूँगा, डार्क लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि वो एक्सिस के पहले जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूँगा तो एक्सिस ओ ओ वन से पहले मुझे ओ सी स्लैंटेड नज़र आ जाएगी, यानी कि ओ सी के पीछे ओ ओ वन यानी कि एक्सिस छुप जाएगी। इसलिए क्या होगा, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है डार्क लाइन। तो यहाँ 60 mm जाऊँगा मैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जाना है मुझे, डार्क लाइन ड्रॉ करना है, एक्सिस लाइन इस बार ड्रॉ नहीं करना है, वो हिडन है। ये हो जाएगा ओ डैश, रूल के हिसाब से क्या होगा, ओ डैश को ज्वाइन करना सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट से, लेफ्ट में कौन सा है, बी डैश है, इसको हमेशा डार्क लाइन से करना है क्योंकि बाउंड्री इज़ ऑलवेज डार्क। और सबसे राइट वाला पॉइंट कौन सा है, इसमें डी डैश है, तो ओ डैश डी डैश को ज्वाइन करेंगे बाहर डार्क लाइन। और याद रखिए उन दोनों पॉइंट्स को भी, जो सबसे लेफ्ट में था सबसे राइट में था, इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन करेंगे बाय डार्क लाइन। अब देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट बाकी नहीं जिसको मुझे ज्वाइन करना है, यानी कि केस नंबर सी का हो गया सॉल्यूशन। ओके, तो ये अलग अलग पोजीशन दी थी, मैं समझा देता हूँ। पहली पोजीशन क्या थी, जब इसका कोई साइड, इसका बेस साइड वीपी के पैरेलल था, तो ये टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू था। फिर बोला बेस के साइड को वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइन करो, मैंने क्या किया, इसको कितना घुमाया, 30 डिग्री घुमाया। तो आप देख सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन बना, ये टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू। टॉप व्यू तो जो कैमरे में आप देख रहे हैं वो टॉप व्यू है। फिर क्या बोला, इक्वली इंक्लाइन करना है, यानी वीपी से आपको इंक्लाइन करना है 45 डिग्री। तो इनको उसको 30 डिग्री से और घुमा दिया, कितना घुमा दिया, इसका 45 डिग्री। तो ये इसका टॉप व्यू बना, तो ये इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू देखिए यहाँ से आपको एक एज ये नज़र आएगी, एक ही है। एक काम करो, मैं इसको घुमा देता हूँ, तो जो आप कैमरे में देखेंगे उसमें से आपको टॉप व्यू, इसका फ्रंट व्यू दिख जाएगा। देखिए ये नज़र आएगा आपको फ्रंट व्यू, क्या नज़र आएगा, ये है ना, मैंने इसको घुमा दिया ना, अब फ्रंट व्यू भी दिख रहा है आपको, सेम बन रहा है, ये टॉप व्यू का दिख रहा है, ये टॉप व्यू है। देखिए इसमें देखिए, ये टॉप व्यू है और ये आपको फ्रंट व्यू है। देखिए ये पीछे वाली, ये तीन एज है, 1 2 3, ये तीनों एज हैं, बाकी ये एज पीछे छुप गई है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, सिंगल स्टेज का था ये, मत समझिए क्वेश्चन तीन स्टेज का है। एक ही क्वेश्चन में ए बी सी करके तीन क्वेश्चंस दिए थे, इसलिए एक ही रेफरेंस लाइन पे हमने ड्रॉ किया है। ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।